शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में दुर्गा उत्सव की मिलेगी परमिशन। 100 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकेंगे इकट्ठा, जिला प्रशासन तय करेगा मूर्ति की ऊंचाई। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी मीडिया पर भड़की। इमरती देवी का बयान, कीचड़ और गोबर में पैदा हुई हूँ, मेरे अंदर इतने कीटाणु है कि कोरोना आसपास भी नहीं आएगा। मास्क नहीं पहनने पर मीडिया ने मंत्री से किया था सवाल। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1636 नए मरीज आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 72,000 के करीब। अब तक 1553 मरीजों की हुई मौत, 54,639 मरीज स्वस्थ हुए। तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों ने बढ़ाई शासन प्रशासन की चिंता। इंदौर में कोरोना महामारी पर नहीं लग रहा ब्रेक, पिछले 24 घंटों में 276 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 14,591 के पार। अब तक 418 मरीजों की मौत, 10,139 मरीज स्वस्थ। विदिशा जिले के सिरोंज में फूटा कोरोना बम, एक साथ 10 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। संक्रमित 8 मरीजों को विदिशा कोविड सेंटर किया रेफर। ग्वालियर में उपचुनाव को लेकर आम पार्टी ने भरी हुकार। आम पार्टी ने चंबल में शुरू किया ऑक्सीजन जांच अभियान। पहले चरण के अंचल में 200 स्थानों पर कार्य प्रारंभ किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। प्रदेश की कुछ सीटों पर आम पार्टी लड़ेगी विधानसभा उपचुनाव। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, एक अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। बदमाश से 12 पिस्टल मैगजीन व जिंदा राउंड जब्त। पकड़ाया गया आरोपी जुबैर खरगोन जिले का रहने वाला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश ने मारी बाजी, 5 टॉप राज्यों में मध्य प्रदेश ने 4th स्थान किया हासिल। साल 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कामों के आधार पर मिली उपलब्धि। चीन से तनातनी के बीच बड़ी भारतीय सेना की ताकत, मध्य प्रदेश के जबलपुर से सारंग गन की टेस्टिंग रही सफल। जबलपुर के LPR रेंज के परीक्षण में हर मानक में सफल, आने वाली 3 सालों में भारतीय सेना को सौंपी जाएगी 300 सारंग तोप। कोरोना मामले में ब्राजील से आगे निकला भारत, कोरोना संक्रमण से दुनिया भर में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। देश में पहली बार एक दिन में आए 90,000 कोरोना मरीज, अब तक 41 लाख संक्रमित, 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत।